तो जैसा कि हमने बताया सोलर सेल क्या है, सोलर सेल एक क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। तो यहाँ पे हमने टाइप्स बताए थे सोलर सेल के, तीन टाइप्स होते हैं, पहला मोनोक्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन और थिन फिल्म। तो ये कौन सा वाला है? ये हमारा पॉलीक्रिस्टलिन है, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलिन का क्या हमने क्या पहचान बताई थी? आयताकार होता है और इसका कलर क्या होता है? नीले रंग का होता है, ठीक है, हाँ, डार्क ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आता कि एक हमारा सेल है, हो गया जी सर। और ये सेल, ये जो हमारी जो चमकीली लाइन है, ये क्या बस्वार है? बस्वार। ये बसवार है। बसवार क्या करती है? एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और इसमें आपको ये पतली पतली सी जो लाइनें दिखाई दे रही है, ये क्या चीज है? फीडर है जी। मतलब जो हमारी एक सेल है, जो उसमें जो टोटल वोल्टेज जनरेट हो रही है, उसको कलेक्ट करके बसवार के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में भेज दी है। इस तरीके से इसमें कितने टोटल सेल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल ऐसे चल गए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके। तो टोटल एक पैनल में 60 सेल है। और ये पैनल टोटल कितने वाट का है? 250 वाट का ही पैनल है, ठीक है। तो पैनल कौन सा है? पॉलीक्रिस्टलिन। तो पॉलीक्रिस्टलिन की एफिशिएंसी कितनी होती है? 14% से 16%, ठीक है, 14% से 16%। ईपीसीएनसी क्या होती है हमारा? दक्षता। जो मतलब दक्षता, आउटपुट ऑफ ऑन इनपुट। सोलर से कितनी रेडियंस सेंस बढ़ रही है और उससे कितना हमें इनपुट मिल रहा है इससे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे ये पीछे के, ये क्या है इसका, जंक्शन बॉक्स में क्या है कि जितने भी ये पैनल है, पैनल की जितनी भी सेल है एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट होती है जी, जी। तो ये कनेक्ट होने के बाद एक फाइनल जो दो वायर निकले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है जैसा। तो वो किसके द्वारा बाहर आए? जंक्शन बॉक्स के द्वारा, ठीक है। इसमें ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से हम वायरिंग को देखते हैं, तो वायरिंग में क्या है कि ये देखिए इसका नेगेटिव और ये इसका नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ा गया है। इसी तरीके से इसका ये पॉजिटिव और इसका ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ दिया, ये हमारे दो पैनलों को कनेक्शन हो गए। इस तरीके से अगले नेक्स्ट दो पैनलों को देखते हैं। ये जो वायर लगी हुई है हमारी, तो इधर भी वही सेम प्रोसेस, ये जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स से दो वायर निकले हमारे इस वाले पैनल में भी, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव वायर है और ये हमारा पॉजिटिव वायर है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों आपस में कनेक्टेड है जी। और ये नेगेटिव और इसका नेगेटिव, ये आपस में, ठीक है। तो जब प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ते हैं, तो ये वाला कनेक्शन कौन से कनेक्शन कहलाते हैं? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, हमारा करंट बढ़ता है और वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। इस तरीके से इसका एक जोड़ने के बाद फाइनली हमने एक वायर निकाल लिया इसमें से, और ये एक पॉजिटिव वायर चला गया और इसे नेगेटिव में से एक ये नेगेटिव। तो इसको हम आगे कहाँ भेजेंगे? चार्ज कंट्रोलर में। चार्ज कंट्रोलर क्या करता है? चार्ज कंट्रोलर हमारा एक जो हमारी बैटरी को जितनी वोल्टेज चाहिए, रिक्वायर्ड वोल्टेज उतनी वोल्टेज दे रहा है, और एक्स्ट्रा वोल्टेज को क्या करता है, वो कम कर देता है जी। तो अभी हमारे यहाँ पर नीचे जो चार्ज कंट्रोलर लगा है, इस वायरिंग यहाँ से जो वायर निकल के गए, अभी ये नीचे जाके देखेंगे चार्ज कंट्रोलर में कैसे कनेक्शन किए गए हैं। ओके ठीक सर।